आज गुजरात से हर्ष सोलंकी जी और उनके परिवार के लोग, उनकी बहन सुहानी, उनकी मदर लता जी मेरे घर पे, मेरे आमंत्रण पे हमारे साथ खाना खाने के लिए आए। मेरे पूरे परिवार के साथ बैठे और हमने साथ लंच किया। हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे परिवार को भी बहुत अच्छा लगा और मैं इनके पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतनी दूर से हमारे साथ आज लंच करने के लिए आए। आप अगर कुछ बोलना चाहें। अरे तो जय भीम, जय वाल्मीकि। बड़े गौरव की बात है कि 75 साल में कोई भी नेताजी ने घर पे खाना खाने के लिए किसी को बुलाया। जोर से तो आज 75 साल के बाद पहले नेताजी हमें ऐसे मिले दलित समाज को, कि वो दलित समाज के लड़के को बोला कि भाई तुम पहले मेरे घर पे आओ, बाद में मैं तुम्हारे घर पे आऊँ। तो ये बड़े गौरव की बात है और ये यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ की हमने स्कूल्स देखी, स्कूल्स की फैसिलिटी देखी, हॉस्पिटल्स देखे, बहुत अच्छा लगा हमें ये सब देख के। हर साहब बीच में भावुक हो गए थे, क्या वजह थी? आपकी तस्वीरों में आया कि आप थोड़े भावुक से नजर आ रहे थे अंदर लगातार सीएम हाउस, काफी इमोशनल हो रहे थे। सोचा था सपने में भी ऐसा? मैंने कोई सी बार सोचा ही नहीं था कि मैं अभी भी यही लग रहा है मेरे को कि मैं खुली आंख से सपना ही देख रहा हूं, क्योंकि यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आज यहां सर के साथ खड़ा हूं। अच्छा, तो स्कूलों में कंपैरिजन किया आपने कि दिल्ली के स्कूल और गुजरात के जो स्कूल है उनमें अगर आप देखें, क्योंकि आप गुजरात से आए हैं और गुजरात में रहते हैं, उसमें बहुत फर्क है। स्कूल्स के अंदर फैसिलिटी इतनी गुजरात में है नहीं जो यहाँ दिल्ली में दी गई। तो अपने समाज के लोगों को जाकर बताएंगे कि इस तरीके की व्यवस्था हुआ स्कूलों में? जरूर। तो अब सीएम साहब को कब आमंत्रित कर रहे हैं अपने आशीर्वाद? जब सीएम साहब चाहे तब मेरे नेक्स्ट टाइम, मैं जब भी अहमदाबाद जाऊंगा मैं इनके घर जाऊंगा, इनके इलाके में जाऊंगा, इनके घर खाना खाने जाऊंगा। सीएम साहब, बड़ा मैसेज तो गया है इस पूरे, लेकिन एक सवाल इससे हटके है कि इस वक्त राजनीति में जिसको आप कहते हैं कि कांग्रेस को लगातार आप बड़े सवाल खड़े कर रहे थे, जिस तरीके से राजस्थान में हुआ है उसको लेकर किस तरीके से आप देखते हैं, पूरा घटनाक्रम पे आपकी नजर रही? देखिए, हमें राजनीति करनी तो आती नहीं है, हम तो जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए स्कूल बनाते हैं, जनता के लिए अस्पताल बनाते हैं, जनता के लिए बिजली माफ़ करते हैं, बिजली फ्री करते हैं, सड़कें बनाते हैं, पानी देते हैं और वही बातें करते हैं और वही चीज़ें हैं जो जनता को चाहिए। जनता भी राजनीति पसंद नहीं करती है, जनता को भी ये तोड़ फोड़ की राजनीति, इसको खरीद लिया, उस MLA को खरीद लिया, वो जनता को पसंद नहीं आता है। हम जनता की राजनीति करते हैं इसीलिए जनता हमें पसंद कर रही है। पहले दिल्ली में सरकार बनाई, फिर पंजाब में सरकार बनाई, अब गुजरात के अंदर मुश्किल से 5-6 महीने हुए हैं हम लोगों को गए हुए और ऐसा माहौल हो गया गुजरात के अंदर, सब लोग कह रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो आम लोग बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि हम आम लोगों के मुद्दों की बात करते हैं, हम उनके बच्चों की शिक्षा की, उनके रोज़गार की बात करते हैं, उनको पक्का करने की बात करते हैं, उनकी तनख्वाह की बात करते हैं, बिजली फ्री करने की बात करते हैं। सर, राजस्थान में जो हो रहा है, लग रहा है कि देश को कांग्रेस से उम्मीद अब टूट गई है? ऐसे लग तो रहा है, मतलब जिस तरह से वो अपना घर नहीं संभाल पा रहे, तो अब एक तरह से अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां जो हैं वो ये जोड़ तोड़ करती रहती हैं। कोई दोनों में से कोई पार्टी ये कहती है कि हमें वोट दो, हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बना देंगे। कोई पार्टी कहती है कि हमें वोट दो, हम आपके परिवार के लिए अस्पताल बना देंगे। कोई पार्टी कहती है कि हम आपकी दवाइयाँ फ्री कर देंगे, आपका इलाज फ्री कर देंगे। कोई पार्टी कहती है कि हम आपकी बिजली मुफ्त कर देंगे। वो तो उल्टा कहते हैं कि ये केजरीवाल मुफ्त 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 कर रहा है, केजरीवाल को मुफ्त देना बंद करो, केजरीवाल को मुफ्त नहीं देना चाहिए। अब बताइए, गरीब लोगों को अगर मुफ्त शिक्षा नहीं मिलेगी, मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा, मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो आज पूरे देश को मैं समझता हूँ कि उम्मीद केवल और केवल आम आदमी पार्टी से है और बाकी सभी पार्टियों ने जो है वो 75 साल के अंदर अपना घर भरने के सिवा और कुछ नहीं किया बाकी लोगों ने। सर, आप खुद को विकल्प मानते हैं कांग्रेस का राजस्थान में? मेरे को कोई विकल्प वगैरह समझ नहीं आता, मेरे को एक ही चीज़ समझ आती है कि देश को आगे ले जाना है और देश आगे तब तक नहीं जाएगा जब तक हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं होगा, हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनको जब तक अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। थैंक यू। हर्ष भाई नाम है इनका, सोलंकी जी गुजरात से आए हुए हैं, ये इनका अंदर है, इनकी मदर है
उनकी सिस्टर है, आए अंदर आए, मोहल्ला क्लिनिक देखने आए, आइए। एवरीबॉडी ये अभी जाते हैं, सब आप चलते हैं, आइए बैठिए, अच्छी बात, आओ बैठ, आ जाओ, आइए बैठो सर, आप बैठो प्लीज, मैं खड़ा हूँ, बैठिए सर प्लीज, मरीज के कुर्सी पे आपको मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बता दूं थोड़ा सा। मोहल्ला क्लिनिक एक छोटा सा हमारे एरिया का एक क्लिनिक है जिसमें हम सारी ट्रीटमेंट सब कुछ देते हैं, मतलब आपको फीवर, हाँ बैठ, मतलब मोहल्ला क्लिनिक एक छोटा सा हमारा हेल्थ सेंटर है, उसमें हम सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। फैसिलिटीज़ में जैसे कोई पेशेंट आया, आपको कफ हो रहा, खांसी हो रही है, आप आराम से आओ, हमें दिखाओ, हम आपका ट्रीटमेंट चेक करेंगे, मेडिसिन देंगे और भेज देंगे। सपोज़ आप 3-4 दिन में ठीक नहीं हुए तो कुछ अगर हमें टेस्ट कराने हैं आपके, तो वो टेस्ट हमारी स्टाफ करेगी, वो जाता है लैब में, उसकी रिपोर्ट आती है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। अब सपोज़ ये मंडे टू सैटरडे 8 बजे से 2 बजे डेली फिक्स टाइमिंग से, हाँ डेली, संडे क्लोज रहता है और कोई गवर्नमेंट छुट्टी होती है तो उस दिन बंद रहता है। अब मान लीजिए आपकी वाइफ है या कोई मम्मी है, हाँ उनको अल्ट्रासाउंड कराना है, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है और मुझे लग रहा नहीं इनको कराना चाहिए, तो मैं अल्ट्रासाउंड का फॉर्म भर के दूंगी। गवर्नमेंट ने उसके लिए भी प्राइवेट में सेटअप्स बना रखे हैं, मतलब कॉन्टैक्ट कर रखा है, वो फॉर्म मैं भर के दूंगी, अल्ट्रासाउंड कराएंगे और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मुझे लाकर, इनको कुछ पे नहीं करना उसके लिए। सिमिलरली एक्सरे कराना है तो पेशेंट को कुछ पे नहीं करना। तो ये हमारा छोटा सा सेटअप है जिसमें हमारे पास सारी मेडिसिन होती है, सारे लैब टेस्टिंग फैसिलिटी होती है, रिपोर्ट्स की फैसिलिटी है, और 8 से 2 आपके पास हम लोग अवेलेबल, यही है। आसपास की कम्युनिटी के सारे लोग आ सकते हैं, कोई भी, ये तो मेन रोड पे है ना, तो कोई भी आ सकता है, कुछ कोई भी दिखा सकता है, कहीं से भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कहीं से भी, कोई भी आते ही है, आते ही है, जो रूट इधर बस रुकती है तो बस से कोई उतरा फ्रॉम बिहार तो वो सीधा अंदर आते हैं, मैम बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं तो देख लीजिए, तो हमारे लिए तो कोई इशू ही नहीं है, हमें तो देखना ही है रूल की, आप कोई को भी मना नहीं कर सकते। कई बार आते हैं बहुत एजेड है, उनको कुछ नहीं पता अदर देन उनका नाम, हम मना नहीं कर सकते। वही होता है जैसे किसी को बुखार हो गया, कुछ हो गया, तो वो किसी डॉक्टर के पास, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता है, 200-250 उसकी फीस देता है, इसके बाद फिर मेडिसिन 300-400 की दवाइयां आ गई, 500-700 का टेस्ट हो गया, वैसे 200-250 में तो होता भी नहीं है, मतलब मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूं, 500 तो मिनिमम लगता है, 1000-1200 रुपए का आप एक बार डॉक्टर के पास जाएंगे आपका 1000-1200 रुपए निकल जाता है आज की डेट में, वो यहां पर लोगों का बचता है, मतलब लोगों, और ये प्राइम रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट की, मतलब इसमें, पर यही बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक क्या है कि सबसे पहले पेशेंट क्या होगा, बहुत बड़े हॉस्पिटल में क्यों जाएगा, अगर उसको ड्यूटी जानी है 9 बजे और वो 8 बजे क्लिनिक खुल गया, वो जस्ट मुझे दिखाएगा 5 मिनट में, अब अगर हॉस्पिटल जाता है तो एक तो यहाँ से इतनी दूर और पूरे दिन लाइन लगाओ, 3 जगह 4 जगह उनको लाइन, आई डोंट नो फिर वो वहाँ क्या ट्रीटमेंट मिलता है ये भी मैं नहीं कह सकती, बट हमारे यहाँ क्या 5 मिनट में दिखाई, और अगर वो कह देता मुझे ऑफिस जाना है तो हम देख लेते तुरंत, कोई अगर क्यू भी है तो भी पहले देख लेते, तो ये एक फैसिलिटी है आप समझ के चलिए पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ी। प्रियंका और दिल्ली में काफी सारे हैं बीपी चेक, हर मोहल्ले के अंदर, हाँ हाँ, इनका सर का बीपी चेक है, वो चार्जर ले गई वो वहाँ, आप कहाँ से आए? गुजरात में, कहाँ से? गांधीनगर में ना घूमा हुआ है, गांधी मंदिर आए, गांधी अभी तो थोड़े दिन पहले मैं वहाँ भी गई थी, केवड़िया उतर आप लोगों का, केवड़िया जो जिसका नाम एकता नगर रख दिया आप, अब इतना मुझे नहीं पता, केवड़िया आए घूमे, गांधीनगर रोड पे, हाँ और सारा हमारा डेटा ना ऑनलाइन जाता है, मतलब पेशेंट रजिस्ट्रेशन करेगी वो ऑनलाइन,
फिर वो मेरे पास हाँ अभी अगर आप बोलोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा विद इन वन सेकेंड, वो रजिस्टर करके मेरे पास भेज देगी और मेरे पास आपका डाटा जस्ट टू शो यू करना इनका फोटो खींच के रजिस्टर एक सेकेंड। अच्छा तो पेपरलेस रजिस्ट्रेशन है। इफ यू वांट प्रिस्क्रिप्शन वी कैन गिव यू बट अगर वो 90 93 लो तुम्हारे पास एक ऐसे बंदे का फोन नंबर आ 3314 5215 बीपी आपका नॉर्मल है 124/89/79 कितना होता है आइडियल? आइडियल 120/80 होता है बट अकॉर्डिंग टू एज थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएट होता है। 120/80 आइस ब्लिंक इट्स लाइव ना तो आपका आईज ब्लिंक करने से ही फोटो क्लिक हो। गोपाल इटालिया हर्षी का भी कर दो। बिल्कुल बिल्कुल इटालिया गोपाल ITALIA या मदरगढ़ 33 एड्रेस है C102 तुलसी रेसिडेंसी सुदामा चौक सूरत। सो अभी आप लोग पूछ रहे थे ना कि कहीं और का पेशेंट आएगा तो रजिस्टर ये आ गया कोई और का ये रजिस्टर हो जाएंगे हमारे मदर ने चंपा बेन आईडी लगता है इसमें छोड़ दो आईडी की जरूरत नहीं नहीं इट्स नॉट मैंडेटरी ठीक अच्छा शुगर बीपी का कोई हिस्ट्री हो नहीं नहीं कोई हिस्ट्री नहीं एलर्जी टू एनी मेडिसिंस आपके डाटा आ गए हमारे पास। अब आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताओगे देन मैं आपको हाँ जैसे ऐड कंसल्टेशन में नहीं नहीं कुछ नहीं लिखा। आप देखो आपके सोशल हिस्ट्री में अल्कोहल टोबैको का उसने शर्म से नहीं पूछा उससे नॉर्मली हम पूछते हैं हिस्ट्री आपने नहीं दिया डायबिटीज़ हाइपरटेंशन का कुछ भी आपका नहीं है एलर्जी की कोई हिस्ट्री नहीं हाँ तो वो अब आपसे मैं पूछूंगी कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सपोज़ आपने कहा मुझे ज़ुकाम हो रहा है 2 डेज से कोल्ड हो रहा है ठीक अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन 2 डेज का है तो हम भी ज़्यादा इसमें नहीं लगाते दिमाग सिंपल आपको मेडिसिन मॉन्टेलो सारी चीज़ अंदर डाली हुई है हाँ हाँ सिर्फ हमें हाँ एक मॉन्टेलुकास दे दिया आपको एक विटामिन सी मैंने तो वो वहाँ पहुँच जाएगा एग्जैक्टली मैं वही चीज़ दिखाना अच्छा समझ गया तो ये हाँ नेक्स्ट और मैं इसको सबमिट करती हूँ ना वो पुकारेगी नाम मिस्टर गोपाल प्लीज़ कम टेक योर मेडिसिन वो आपको समझा दें तो इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट वे जिसमें हम तो क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर ना समझिए सिस्टम तो कई बार होता है कि लोग बाग कुछ गलत काम ना कर बैठे डॉक्टर्स बैठ के अपने पैसे बनाने के लिए सो दैट्स द वे कि ट्रांसपेरेंसी कि वो रजिस्टर करेगी मीन्स पेशेंट लाइव आया उसने बोला ना आईज ब्लिंक करो मीन्स पेशेंट लाइव आया है और उसने दिखाया है आप हमारे पास आ रहे हो मेडिसिन वो फार्मासिस्ट डिस्पेंस कर रही है कितना मेडिसिन कितना मेरी इन्वेंट्री से निकल रहा है इसका पूरा डाटा हमारे पास में रहता है ये इज द इन्वेंट्री इसमें पूरा डाटा डेली का डिडक्शन होके हमारे पास पूरी रिपोर्ट तैयार होती रहती है इट्स लाइक दैट समझ बहुत अच्छा हाँ हाँ सब चीज़ हर जगह होना अटेंडेंस भी फोटो अटेंडेंस है कि कौन कितने देखिए 8 बजे से ओपीडी स्टार्ट होती है ना डॉक्टर के मेट 7 हमने एक कॉलम बना रखा है कि कम से कम हमारे दिल्ली शिक्षा से जितने भी मैगजीन्स आते हैं किताबें आते हैं अखबार आते हैं वो कम से कम यहाँ बैठ के तो स्पेस का यूटिलाइज किया वो आपने देखा वो मेन गेट है ना जहाँ से आप लोग आए एक गेट उधर है 2 गेट हैं तो 2 पाली में हम लोग का स्कूल चलता है फिर यहाँ से फिर हम लोग का ये मॉर्निंग असेंबली शेड एरिया है तो अभी योगा का इवेंट चल रहा है हम लोग का हाँ प्रार्थना ये तो हार्ट ऑफ द स्कूल है सारा इंडोर और आउटसाइड जो भी हम लोग को यहाँ पर मॉर्निंग असेंबली तो है ही है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी करना है वो सब यहाँ होता है हम लोग का तो ऐसे पायलट स्कूल है हम लोगों का काफ़ी ऊंचाई हाँ तो आप देख सकते हैं लाइट पंखे और ये बाहर से आए हैं बच्चे एक बच्चे बाहर से आए हैं आइए कंपटीशन चल रहा है ना तभी ख़त्म हो रहा है मिलेंगे उनसे बातचीत करिए कंपटीशन चल रहा है योगा का तो हाँ जोन से और भी यहाँ से बच्चे आए हैं अलग अलग स्कूल के हैं
ये टीचर्स बच्चों के साथ आए हुए हैं अलग। कौन से स्कूल से हो बेटा? आईपी एक्सटेंशन से। आप लोग? एसकेवी नंबर 2 से। वो हमारे सारे टीचर्स हैं, अलग अलग स्कूल से आए, हमारा स्टेज है। और कुछ जानना चाहते हैं इधर? चलिए आइए फिर हम लोग प्राइमरी के उधर चलते हैं। तो आप लोगों ने एक बार क्या सरकारी स्कूल वैसे हैं वहाँ गुजरात में, जिस तरह का आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, जिस तरह से हालांकि शुरुआत हुई है? बोल रहे हैं उनके मोहल्ले में ऐसी फैसिलिटी वाली स्कूल नहीं है, ठीक ठाक का स्कूल है। चलिए सर्वो स्विमिंग पूल भी। तो आप जहाँ आए वो प्रिंसिपल ऑफिस है, जहाँ हम बैठे थे वो प्रिंसिपल ऑफिस था। तो वो भी आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा और अच्छा है। यहाँ हम लोग का 12th बैठती है। ये हम लोग का एक रिसोर्स रूम है सर, हम देख लेते हैं, उधर जा रहे होंगे। ये रिसोर्स रूम है, विकलांग है ना सर, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, वी डोंट यूज दैट वर्ड विकलांग, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो दिस इज द रूम, तो ये है, तो यहाँ हाँ स्पेशल किड्स के लिए। तो उनके पढ़ाने का तरीका हमारे टीचर्स का एक था नहीं कोई नहीं। तो ये हम लोग का कमरा है जहाँ पर हम लोग विकलांग शब्द नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो उनके साथ स्पेशल तरीके से पढ़ाना, उसके लिए 8 बच्चों पर एक टीचर होता है। तो ये है हमारे टीचर्स, तो ये कमरा उन लोगों के लिए है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये रोज रहता है, आज के लिए नहीं है रोज ही रहता है ऐसे ही। आइए ऐसे उधर जाएंगे ना, तो हम लोगों का वो है ओपन जिम। आइए फिर छुट्टी होने वाली है, फिर तो सुबह की पल्ली का प्रिंसिपल ऑफिस यहाँ पर है। आइए मैडम आप लोग भी, और इवनिंग वाला प्रिंसिपल ऑफिस इधर है दोनों आमने सामने। अभी 12:40 में उन लोगों का स्कूल शुरू होगा। आइए तो पूरे स्कूल में 141 रूम्स हैं कमरे हम लोग का मिनी किचन है, 1 रूम्स हैं, उसमें कुछ 2729 लैब्स, लाइब्रेरी, बड़े बड़े लैब्स, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल इधर है। छोटे बच्चों का छुट्टी होने वाला 12 बजे, ये छोटे बच्चों का प्राइमरी का है, तो उनके लिए गेट अलग है इधर से जा रहे हैं। तो आइए अभी दिखा दें, एक शॉट हो जाएगा बस। हाँ इधर देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा इस तरफ हो जाइए ना, सामने आ जाइए। नहीं अभी हम लोग प्राइमरी में जा रहे हैं, मैं इनको दिखाती हूँ एक्टिविटी रूम जहाँ बच्चे खेलते हैं, है ना। हाँ आइए क्योंकि फिर छुट्टी होने वाली होगी ना। वो अभी फ्लाइट में आए हैं इसीलिए ये हम लोग का टीचर्स का स्टाफ रूम है जहाँ टीचर्स बैठते हैं। जहाँ टीचर्स बैठते हैं ऐसा स्टाफ रूम देखा यहाँ टीचर्स बैठते हैं
है ना, वो अपना काम करते हैं चेकिंग का, तो ये उनके लिए वर्क स्टेशन है और ये सारी अलमारियाँ होने में उनका चाय का, खाना गर्म होने का हाँ ओवन सर ये है, तो स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है, अंदर भी टीचर्स के लिए टॉयलेट है पर वो हम लोग उसको स्टोर रूम के लिए इतना इस्तेमाल कर लेते, सामने ही टॉयलेट है, तो टॉयलेट अंदर भी है उधर भी है चलिए ये नया एडिशन है स्टाफ रूम का पहले उतना नहीं था, ये स्टाफ के लिए भी टॉयलेट है इधर, और इवनिंग का अभी दूसरा पल्ली शुरू होगा तो उनका स्टाफ रूम है ये। कैसा लग रहा है चलिए आप लोग जब दीजिए ये वाला, बच्चे लोग जो भी काम करते हैं ना ये बोर्ड में हम लोग लगाते हैं उसको, आइए एक्टिविटी रूम में चलते हैं। तो ये छोटे बच्चों का है प्राइमरी में, नर्सरी से लेके फिफ्थ तक एक्टिविटी। सो पीछे हमारा पूरा टॉयज हैं, किताबें हैं, रीडिंग रूम ऐसा बना हुआ है। छुट्टी हो गई क्या है ना, कितने बच्चे रह गए? कुछ सब। हाँ इधर अभी इसलिए मैं आगे आ रही थी। हाँ गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। ओहो अभी से आ जाओ। गुड आफ्टरनून। आई कार्ड कहाँ गया? आई कार्ड कहाँ गया? तो 12 बजे छुट्टी हो जाता है, तो अभी उनके पेरेंट्स आए नहीं इसलिए लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। तो बहुत किताबें आती हैं, सब किताबें यहाँ रखी हुई हैं बच्चों के लिए। मैं आ गई अच्छा ऊपर भी लाइब्रेरी लैब सब देखना है ना, स्विमिंग पूल जाएंगे, लाइब्रेरी देखना है, लैब देखना है या स्विमिंग पूल देखेंगे बाहर। चलो ठीक है फिर चल आइए, क्योंकि अभी घंटी बजी होगी ना 12:30 होने वाली है, तो बड़े बच्चों का भी छुट्टी हो जाएगा। लाइन में हेलो कैसे लाइव हो रहा है। आराम से इधर चलेंगे सर।
अरे तो सुबह में 3 घंटे और शाम में 3 घंटे तो बच्चों के लिए है ये, तो सिर्फ सरकारी में नहीं प्राइवेट में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बस स्टूडेंट होना है तो कोच है हमारे पास 2, तो उस हिसाब से कोच डिसाइड करता है कैसे कैसे ग्रुप में बच्चों को बांटना है। तो सुबह 3 घंटा और शाम में 4 से 7, तो दिन में अभी गर्मी होता है तो इसलिए अभी बच्चों के लिए नहीं है अभी। हाँ, शाम को फिर 4 बजे चालू हो जाएगा। लगभग एक बैच में वो लोग कोशिश करते हैं 500, 600, 300 इस तरीके से, जैसे जैसे बच्चों का बढ़ता जाता है और बहुत कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं तो हमारे बच्चे भी वो कर रहे हैं, तो उनको समय दिया होता है ना 1 घंटा, अगर 3 घंटे का है तो 1 घंटे में ये वाला एज ग्रुप के बच्चे आएंगे। सर ने ये इनॉग्रेट करा था 18, सबसे पहले स्विमिंग पूल यहीं खुला था, यहीं इनॉग्रेशन किया था हमारे अरविंद सर ने, कह रहा था केजरीवाल सर ने। यहाँ ले सकते हैं अगर फोटो लेना है आपको, एक ये आ जाएगा, आप आ जाइए। अच्छा इन, अब कुछ पूछना है इनको कुछ? पूछो पूछो, अगर कुछ पूछना है कहीं जानू है तो बोलो, संकोच ना रखो। गुजरात में आगे स्कूल बनी हुई जो एक ना बनी हुई मे तो सारूँ ने, अत्यारे तो बधु प्राइवेट स्कूलों में मोटी मोटी फी भरी ने भणवू पड़े और ये फ्री है, इसके लिए बच्चों को कोई पैसा नहीं देना स्विमिंग के लिए। हमारे यहाँ के अच्छे स्कूल आप गूगल करके देख सकते हैं, बहुत अच्छे, आपको इतना अच्छा लगेगा कि यही पे ठीक है, पहले पहले बता दो यही पे ठीक है बाहर थोड़ा पक्षी ज्यादा आ जाओ भाई, आईडी पकड़ा दो साइड आओ। हां बस, अरे बाहर कर ले, मैम आप आ जाइए, इधर इधर छांव में आ जाइए, लगा लो लगा लो, जल्दी लगाओ, चल चल छुट्टी हो रही है बाहर, छुट्टी हो गई बच्चों की, क्या भीड़ है वहां पे, चलो यार लो भाई, हां हां चलो पूछो क्या, माइक दे दो, बोल हां पूछो पूछो, हर्ष आप पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, कैसा रहा आपका पूरा सफर और अभी आप कहाँ हैं और क्या प्लान है अभी आगे का? हम जरा क्लोज हो जाइए माइक आपके पास, और अभी स्कूल देख करके आपको कैसा लगा? स्कूल देख के ये ऐसा लग रहा है कि ये फैसिलिटी जो है वो गुजरात में मिलनी चाहिए, बच्चों को अच्छा शिक्षण मिले। जो सरकारी स्कूल है आप के परिवार के जो बच्चे हैं वो पढ़ते होंगे, कभी आपने देखा था ऐसा स्कूल, सरकारी स्कूल गुजरात में? नहीं, ऐसा इतनी सारी फैसिलिटी वाला स्कूल नहीं है। आप अपने किसके साथ में आए हैं? आगे लाइए। ये आपकी सिस्टर है और आपकी मदर है ये? आपको कैसा लगा यहाँ पर आके? साइड देख के पूछ लो यार, कैसे पूछ रहे, उधर ले आ गए यार। क्या नाम है आपका? मेरी बात छोड़ो, कुछ आप पढ़ के आप कहीं स्कूल गए? मेरी बाद में कंप्लीट हो गई।
आपने 12वीं पढ़ाई की है, सरकारी स्कूल से पढ़ाई की? नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट में पढ़ाई की, लेकिन प्राइवेट में और इसमें कहीं कुछ आपको लगा कि ये प्राइवेट की तरह स्कूल है? क्या नया लगा आपको? गुजरात में जो प्राइवेट स्कूल है वैसे ये इधर पर्सनालिटी मिलती है उधर नहीं मिलती है, शिक्षण में भी कुछ बहुत तफावत है, इधर भी कुछ अलग है उधर भी कुछ अलग है, जैसा मिलना चाहिए शिक्षण वैसा नहीं मिलता। तो यहाँ पर अभी जो नया आपने स्कूल देखा ये सरकारी स्कूल, कैसा लगा आपको? हमको अच्छा लगा। क्या नया लगा यहाँ स्कूल? ये इधर सब बच्चे भी फैसिलिटी सब वगैरह कुछ अच्छा। बच्चों से बात किया आपने? बात की? थैंक यू। चलिए चलिए नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।